भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले और यात्रा में से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। लाखों युवाओं से मेरी बात हुई, बुजुर्गों से, किसानों से, व्यापारियों से, युवाओं को पूछो पूरे देश में क्या करते हो, मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं, मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं को की शक्ति को नष्ट कर दिया है। ये देखिए कितना जोश है, देखिए अब देखिए, इतने जोश से अगर हमने हिंदुस्तान के युवाओं को काम में लगा दिया तो मेड इन चाइना इस दुनिया में दिखेगा ही नहीं, मेड इन इंडिया दिखाई देगा। अब नरेंद्र मोदी करते क्या है, 12 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में 12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। आपने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी को किसी किसान के साथ देखा है, किसी मजदूर के साथ देखा है, किसी छोटे दुकानदार का हाथ पकड़ते हुए देखा है? नहीं देखेंगे भाइयों और बहनों। वो आपको हवाई जहाज में अमेरिका जाते हुए देखेंगे, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति से गले मिलते हुए देखेंगे, राइट? अदानी जी के साथ फोटो में ऐसे देखेंगे जैसे दो मित्र एक साथ खड़े होते हैं, मगर गरीब किसान के साथ, मजदूर के साथ, बेरोजगार युवा के साथ नहीं दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को मूर्ख समझते हैं। पूरा का पूरा काम अदानी का, सड़कें अदानी की, सीमेंट के प्लांट अदानी के, एयरपोर्ट अदानी के, जयपुर एयरपोर्ट अदानी का, पोर्ट्स अदानी के। पहले अदानी जी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 600 नंबर पे थे, दूसरे नंबर तक नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों को पहुंचा दिया, यह सच्चाई है। भाइयों और बहनों, दो तरीके की सरकार हो सकती है, एक जो किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी होती है, और दूसरी जो अरबपतियों के साथ खड़ी होती है। आप जानते हो बीजेपी अरबपतियों के साथ खड़ी होती है,
कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी होती है। कोविड आया, याद है, यहां पे सब लोगों का कोई मित्र, किसी का भाई, किसी के पिता को कोविड हुआ, लाखों लोगों को कोविड हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? बिलवारा मॉडल, याद है आपको, बिलवारा मॉडल, घर में फूड पैकेट देना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाए, यूथ कांग्रेस के लोग लग गए, ऑक्सीजन सिलेंडर देना शुरू कर दिया, दवाई देनी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? और थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। क्या मतलब है, क्या मतलब है? थाली बजाओ, लाइट ऑन करो। उनका आपने आजकल भाषण देखा होगा, अपने भाषण में पहले कहते थे, मित्रों मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं, हर भाषण में। मैंने जाति जनगणना की बात बोली, पार्लियामेंट में मैंने एक भाषण दिया, मैंने कहा इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। ताली बजाइए, और जोर से ताली बजाइए। मैं बताता हूं आपको जाति जनगणना क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। भाइयों और बहनों, इसका कारण है, यह एक साजिश है। आपको आपकी सच्ची जनसंख्या, आपकी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, कम से कम ओबीसी की आबादी इस देश में, पिछड़ों की आबादी इस देश में 50% है, 50%। मतलब अगर आप इस देश में कहीं भी 10 लोगों को खड़ा करो, 5 लोग ओबीसी वर्ग के होंगे। आप अपनी शक्ति समझिए। मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सामने, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो, ओबीसी कहकर आप चुनाव जीते, 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ते हो, हर रोज नया सूट नया कपड़ा पहनते हो, कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को? 2 दिन में जहां उन्होंने नया कपड़ा ना पहना हो, हर रोज 2-3 नए कपड़े पहनते हैं। मैंने उनसे कहा, मोदी जी बताइए इस देश में ओबीसी कितने? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, भाइयों और बहनों, इस देश में एक ही जात है, वो है गरीब, सिर्फ गरीब, और कोई जात ही नहीं है। मतलब ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी, कोई जात नहीं। मगर आप ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीबों की एक जात है। अच्छा, जब समय आया ओबीसी को उसका हक देने का समय आया, नरेंद्र मोदी जी कहते जात ही नहीं है।
गरीब है हिंदुस्तान में। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर देश में एक ही जात गरीब है तो अमीर की कौन सी जात है? तो नरेंद्र मोदी, जैसे ही मैंने ओबीसी जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते जाति नहीं। अब मैंने ये बात उठाई क्यों, मैं आपको बताता हूं। बात इसलिए उठाई, हिंदुस्तान को भाइयों और बहनों एमएलए और एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से आप पूछो क्या करना चाहते हो, कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि आईएएस के अफसर इस देश को चलाते हैं। चुनाव में एमएलए बदल जाता है, एमपी बदल जाता है, आईएएस अफसर कभी नहीं बदलता। ये हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, मतलब हिंदुस्तान का पूरा धन, लाखों करोड़ रुपए का बजट ये 90 लोग बांटते हैं। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, सड़कों का मामला हो, खाद का मामला हो, सारे के सारे निर्णय, बजट के निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। अब सवाल मैंने पूछा पार्लियामेंट में, मोदी जी अगर ओबीसी की सरकार है, अगर दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, तो 90 में से पिछड़े कितने? 90 अफसरों में से पिछड़े कितने? नरेंद्र मोदी चुप हो गए, सारे बीजेपी के लोग चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि 90 में से 3 ओबीसी, 90 में से 3 ओबीसी, आबादी 50% से कम नहीं, 90 में से 3, आपका अपमान हो रहा है, देश को शर्म आनी चाहिए। 50% की हिस्सेदारी नहीं है, 90 अफसर, 3 आप। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, 90 में से 3, 100% 100 में से 5, 90 में से 3, 100 में से 5, ये है आपकी हिस्सेदारी। नरेंद्र मोदी कहते मैं ओबीसी की सरकार चलाता हूं, ऐसी ओबीसी की सरकार, मैं आपको बताता हूं, हमने यहां पे स्वास्थ्य योजना लागू की, 25 लाख रुपए इलाज करो, 25 लाख रुपए का इलाज करो। मैं तो कहता हूं गहलोत जी कम है ये, कम है ये। देखो बोला 50 लाख, अब 25 लाख में से पैसा किसको जाता है? याद रखिए, अगर अस्पताल में राजस्थान की जनता का इलाज होता है तो 50% ओबीसी का होता है। हमारी योजना, स्वास्थ्य योजना का 50% फायदा सीधा पिछड़ों के जेब में जाता है। हम किसान कर्जा माफ करते हैं, 50% फायदा पिछड़ों को सीधा जाता है। गैस सिलेंडर 500 रुपए का करते हैं,
गरीबों का गैस सिलेंडर 500 रुपए का करते हैं, 50% फायदा ओबीसी को जाता है। 3600 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते हैं, 50% फायदा पिछड़ों को जाता है। 309 नए कॉलेजेस खोले, नई यूनिवर्सिटियां खोली, 50% फायदा पिछड़ों को जाता है। यह है पिछड़ों की सरकार। अब सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं, जब नरेंद्र मोदी ने अदानी जी को जयपुर का एयरपोर्ट दिया, ओबीसी वर्ग को कितना फायदा हुआ? अदानी की कंपनी में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? एक भी नहीं है भाइयों और बहनों। नरेंद्र मोदी अदानी की मदद करता है, उसकी कंपनी में आपको एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हम गैस सिलेंडर 500 का देते, 50% ओबीसी को। नरेंद्र मोदी जी बीमा योजना लाए, मैंने आंकड़े निकाले, पैसा कौन देता है? जीएसटी से पैसा आप देते हो। कौन देता है? पिछड़े देते हैं, आदिवासी देते हैं, दलित वर्ग देते हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग देते हैं। जीएसटी का पैसा गरीब जनरल कास्ट के लोग, ओबीसी, दलित, आदिवासी। नरेंद्र मोदी जी योजना लाते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, फसल बीमा योजना, 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाला, 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार, 10,000 करोड़ रुपए स्टेट की सरकार, 3 या 4 हजार करोड़ रुपए किसानों के जेब से बीमा में भरा। ठीक है, आंकड़े याद रखिए, 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने जीएसटी से आपकी जेबों में से निकाला। उसके बाद 16 कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना का पूरा पैसा पकड़ा दिया। उन 16 कंपनियों में आपको ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। जब तूफान आता है, ओला गिरता है, किसानी में लिखता है कौन सा किसान? ओबीसी किसान, गरीब जनरल कास्ट का किसान, आदिवासी, दलित किसान। लिखता है, कहता है, मेरे खेत में नुकसान हो गया, ओला गिर गया, मैं बर्बाद हो गया। कंपनी वाले कहते हैं, भैया तुम्हें हम एक रुपया नहीं देने वाले। लो, यह है नरेंद्र मोदी की योजना। LIC का पैसा, ये जानते हो आप, सब कुछ जानते हो। नरेंद्र मोदी की गारंटी, अदानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी, किसान मजदूर पिछड़ों दलितों आदिवासियों की सरकार चलेगी, छोटे दुकानदारों की सरकार चलेगी। तो गारंटी की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं 7 गारंटी क्या है। अब देखिए, राजस्थान के हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए हर साल बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। याद रखिए, 50% परिवार पिछड़ों के हैं, इसका 50% पैसा पिछड़ों के जेब में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी इसी पैसे को अदानी जी के जेब में डाल देंगे। गैस सिलेंडर गरीबों के लिए 500 रुपए का हो जाएगा।
15 लाख रुपए बीमा का पैसा राजस्थान की जनता को मिलेगा, नेचुरल कैलामिटी होगी तो। अच्छा, आखिरी बात और शायद जरूरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं नफरत तो फैलाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, इलाज कांग्रेस पार्टी करती है, उनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं हम जाके, देश को मजबूत करते हैं, सबको एक साथ लाते हैं। बीजेपी के किसी नेता से पूछो और वो आपको बताएंगे, देखिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। अंग्रेजी मत सीखिए, हिंदी सीखिए। मगर अगर आप उनके बच्चों से पूछें कि भैया एक बात बताइए, आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, गडकरी जी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, रमन सिंह से पूछिए कि भैया आप हमें तो कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, आपके बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में, सारे के सारे जवाब देंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मतलब बीजेपी के नेता अंग्रेजी पढ़े, उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े, मगर हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर छोटे दुकानदार दलित आदिवासी पिछड़े अंग्रेजी ना पढ़े। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, कॉल सेंटर, कंप्यूटर वाली कंपनीज में, इंटरनेट वाली कंपनीज में गरीब लोगों के बेटे ना घुस जाएं, फायदा हो तो सिर्फ चुने हुए 5-10% लोगों को, और जो गरीब किसान है उसका बेटा सपना ना देख पाए। मैं कहता हूं गरीब से गरीब परिवार का बच्चा, बेटी बेटा बड़े से बड़ा सपना देखें, अगर उन्हें अमेरिका जाकर कंपनी खोलनी हो तो वो अमेरिका जाकर कंपनी खोलें। सबको एक जैसा हक मिलना चाहिए, इसीलिए हमने यहां पे अंग्रेजी स्कूल का जाल खोल दिया है, और हमने निर्णय लिया है कि राजस्थान के सब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम पढ़ा के छोड़ेंगे। आखिरी बात भाइयों और बहनों, ओल्ड पेंशन स्कीम की, यहां पे हमारे बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आपके चेहरे दिख रहे हैं, आप याद रखिए बीजेपी ने आपके जेब में से पेंशन का पैसा चोरी करने की कोशिश की, उन्होंने आपके जेब से पेंशन का पैसा चोरी करके अदानी जी को देने की कोशिश की, हमने आपको आपका पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम दे दिया और हम उसको कानून में बदलने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आखिरी बात, पिछले चुनाव जीतने के बाद मैंने गहलोत जी को साफ कह दिया कि गहलोत जी आप एक काम करना, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप एक बात मत भूलिए, जितना पैसा राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े अरबपतियों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था, 5 साल में जितना पैसा उन्होंने सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को और अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार को 5 साल के अंदर राजस्थान के गरीब किसान मजदूर दलित और पिछड़ों को पहुंचा देना चाहिए। और भाइयों और बहनों, ये शुरुआत है,
मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे करेगी और देश में हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, और मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मैं 15 लाख की बात नहीं करता हूं, मेरी आंखें देख लो, मैं आपको कह रहा हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम जाति जनगणना उस दिन शुरू कर देंगे, और पिछड़ों की जितनी आबादी है उतना हक हम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हिंदुस्तान के पिछड़ों के हवाले कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।